हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर टेक गणेश के और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट होल्डर है, आपके पास पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो दोस्तों अब आप पंजाब नेशनल बैंक में बिना एटीएम कार्ड के भी अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पहले कुछ ही बैंकों में आधार यूपीआई की सर्विस दी गई थी, लेकिन अब पंजाब नेशनल बैंक में भी ये सर्विस दे दी गई है। अब आप अपने आधार कार्ड से भी यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और बिना एटीएम कार्ड के गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चला सकते हैं। तो कैसे दोस्तों आपको आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करना है पंजाब नेशनल बैंक में, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए, पंजाब नेशनल बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको सबसे पहले भीम यूपीआई ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। दोस्तों अभी आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे में डायरेक्ट आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट नहीं कर पाएंगे, तो आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको भीम ऐप में अकाउंट बनाना होगा और इसमें आपको बैंक अकाउंट को लिंक करके आधार कार्ड से यूपीआई पिन को सेट कर लेना होगा। जैसे ही आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन में आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट कर लेंगे, इसके बाद आप किसी भी यूपीआई ऐप का यूज कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप भीम यूपीआई ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद ओपन करें। तो जैसे आप भीम यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार आपके सामने फेस आएगा, जहां पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में इस ऐप को चलाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में चलाना चाहता हूं, तो मैं आपको इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। अब जैसे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, अब आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। जब आपको प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको एसएमएस मैसेज का परमिशन अलाउ करना है, तो आप अलाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फोन कॉल का परमिशन देना है, आप अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको लोकेशन का भी एक्सेस देना है, तो आप अलाउ कर देंगे। अब कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में दो सिम कार्ड लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले सिम को सिलेक्ट करेंगे कि कौन वाला सिम कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। तो जैसा कि मेरा फर्स्ट वाला सिम कार्ड मेरे बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो मैं फर्स्ट सिम को सिलेक्ट कर लेता हूं, सिम वन को। इसके बाद आपको यहां पे प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर यहां पे वेरीफाई किया जाएगा। कुछ सेकंड आप यहां पे वेट करेंगे, तो देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर यहां पे वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद इस प्रकार आपके सामने पासपोर्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से 4 डिजिट पासपोर्ट क्रिएट कर लेंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी भीम ऐप में लॉगिन होंगे, तो आपको पासपोर्ट एंटर करने की जरूरत होगी। तो चलिए मैं अपने हिसाब से 4 डिजिट पासपोर्ट क्रिएट कर लेता हूं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पासपोर्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब आपको राइट आइकन दिख रहा है कीवर्ड पे, आप राइट आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे राइट आइकन पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने बैंकों का लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पंजाब नेशनल बैंक को चूज करेंगे, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या फिर डायरेक्ट आप सर्च बार पे सर्च भी कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक को। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ PUNJAB, तो देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का ऑप्शन आ चुका है नीचे, आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं पंजाब नेशनल बैंक को चूज कर लेता हूं, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। अब जैसे बैंक पे आप क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आपको अपने अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट देखने को मिलेगा, आपको अपने बैंक का आपसी कोड देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, यहाँ पे लिंक किया जा रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपने अकाउंट में यूपीआई का यूज करने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर बैलेंस चेक करने के लिए आपको यूपीआई पिन सेट करना होता है, तो यूपीआई पिन सेट करने के लिए आप सिंपल अपने बैंक अकाउंट पे टैप करेंगे। अब दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे चेंज यूपीआई पिन का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसी प्रकार आपका सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा। आपका यूपीआई पिन सेट किया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, आप सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मेरा यहाँ पे चेंज यूपीआई पिन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी इस अकाउंट में यूपीआई पिन को सेट किया है, इसीलिए मेरा यहाँ पे चेंज यूपीआई पिन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे चेंज यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब दोस्तों जैसे आप सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा यूपीआई पिन सेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक डेबिट कार्ड का और एक आधार नंबर का।
तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप आधार नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जहां पे बताया गया है काइंडली प्रोसीड ओनली इफ यू हैव द सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड टू सेट यूपीआई पिन ऑन भीम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपके आधार कार्ड के साथ और बैंक अकाउंट के साथ सेम मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आप अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन को सेट कर पाएंगे, अगर आपका अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक है तो आप सेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोनों में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दोनों में सेम मोबाइल नंबर लिंक है तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप रीड करेंगे, इसके बाद आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आप यहां पे वेट करेंगे, सकते हैं अब यूपीआई पिन सेट करने के लिए आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो देख सकते हैं आधार नंबर का पेज यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिएट 4 डिजिट यूपीआई पिन यूजिंग योर आधार डिटेल्स, यानी मैं अपना आधार डिटेल्स देख रहे यहाँ पे यूपीआई पिन सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आधार नंबर की जगह यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट ही इंटर करना है, लास्ट का आधार नंबर नहीं इंटर करना है, फर्स्ट का जो 6 डिजिट है वो आप डालेंगे। तो चलिए अब आपके सामने कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब देख सकते हैं आपके मोबाइल पे आधार ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे आप अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट इंटर करेंगे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको इंटर करना है। चलिए मैं ओटीपी इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आधार ओटीपी इंटर कर दिया है। अब आपको कीवर्ड पे राइट आइकन दिख रहा है, राइट आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे राइट आइकन पे क्लिक करेंगे आपको एक बैंक की ओर से भी ओटीपी मिलेगा 4 डिजिट, वो ओटीपी आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए मेरा बैंक का ओटीपी भी आ चुका है, मैं बैंक ओटीपी इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक का ओटीपी डाल दिया है। अब बैंक ओटीपी डालने के बाद आपको क्यूआर पे राइट आइकन दिख रहा है, राइट आइकन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बैंक ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा, अब आप अपने हिसाब से 6 डिजिट यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने हिसाब से यूपीआई पिन इंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों यूपीआई पिन एंटर करने के बाद फिर से आप कीवर्ड पे राइट आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे राइट आइकन पे क्लिक करेंगे आपको फिर से यूपीआई पिन को कंफर्म करना है, तो आप फिर से यूपीआई पिन को रीएंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों यूपीआई पिन को रीएंटर करने के बाद आप कीवर्ड पे राइट आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं राइट आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, अब आप कुछ सेकंड वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है, देख सकते हैं 6 डिजिट यूपीआई पिन सेट। अब दोस्तों जैसे आप अपना यूपीआई पिन सेट कर लेंगे आपको यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, आप चेक बैलेंस पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डालकर अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, अपना मोबाइल डीटीएच रिचार्ज यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं भीम यूपीआई ऐप भी एक यूपीआई एप्लीकेशन है जहां पे आपको यूपीआई की हर एक सर्विस मिल जाती है। दोस्तों अब आप फोन पे, गूगल पे और पेटीएम भी चला सकते हैं इस बैंक अकाउंट को लिंक करके। तो इस तरीके से दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है कि कैसे आपको आधार कार्ड से यूपीआई पिन को सेट करना है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारा नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।